विरोधी रईत विरोधी बीजेपी सरकार रखे धिक्कारा 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 सीएम बम्बई मुर्दाबाद 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 बीजेपी सरकार मुर्दाबाद 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 कर्नाटक सीएम बम्बई मुर्दाबाद 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 रईत विरोधी बीजेपी सरकार मुर्दाबाद 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 आज गुलबर्गा में कर्नाटक प्रांत रईत संघ एक पदयात्रा किया लॉन्ग मार्च। लॉन्ग मार्च का मकसद ये पदयात्रा जो किसानों का एक जो पदयात्रा रहा। अब देखिए आप पिछले कुछ दिनों से जो बारिश से फसल तबाह हो रही है जो किसानों को नुकसान हुआ है और इसके ऊपर मुआवजे की डिमांड करते हुए कंपनसेशन की डिमांड करते हुए और यहाँ पे एक इसको नेचुरल डिजास्टर के तौर पे डिक्लेयर कर पर एकड़ 25,000 रुपये किसानों को कंपनसेशन देने का डिमांड करते हुए आज यहाँ पर जो है किसानों ने एक अपनी पदयात्रा की। अब ये देखिए गवर्नमेंट की जो सरकारी रिपोर्ट है पिछले अगस्त की मैं बात कर रहा हूँ, ये 2022 अगस्त में जो गवर्नमेंट का एक सरसरी तौर पर जो सर्वे हुआ था बरसात की वजह से बारिश की वजह से जो फसलें तबाह हुई उसमें जो गुलबर्गा कर्नाटका में हाईएस्ट फसल कहीं पे अगर बर्बाद और तबाह हुई है तो वो गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में हुई है। यहाँ पे गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में लगभग 7,65,000 हेक्टर यानी कि एकड़ के हिसाब में अगर हम बात करें तो 15 लाख एकड़ के हिसाब में यहाँ पे पेरावा किया गया था और अगस्त की रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ पे लगभग उसी वक्त करीब 5 लाख एकड़ की फसल तबाह हो चुकी है। ये गवर्नमेंट की प्रीलिम रिपोर्ट जो है अगस्त की मैं वो बता रहा हूँ। आज जब हम अक्टूबर में हैं और हम सबको पता है अगस्त सितंबर अक्टूबर लगातार बारिश हो रही है और आज भी बारिश हो रही है और मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का भी ये कहना है कि और 15 दिन इसी तरीके से बारिश रहेगी तो आज का जो किसानों का जो फसल बर्बादी का जो क्रॉप लॉस हुआ है आज लगभग 10 लाख एकड़ के करीब तक की फसल तबाह हो चुकी है। अब आप देखिए यहाँ पे किसान का इतना बड़ा नुकसान होता है और ये बेशर्म गवर्नमेंट इसके कान पे जरी सी आवाज़ तक नहीं जाती। अब ये सवाल होता है क्या हुकूमत इंसानों की बैठी है, क्या इंसानियत रखने वाले लोग इस हुकूमत में हैं बीजेपी हुकूमत में, या ये सारे जो है इंसानियत के खिलाफ काम करने वाले लोग। आज देखिए लगभग गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में पिछले 2 महीने से चितापुर तालुके में ओरिएंट सीमेंट फैक्ट्री के खिलाफ किसानों का एक आंदोलन चला है जो कि लैंड एक्विजिशन किया गया उसके लिए डिमांड है कंपनसेशन का। माइंस एंड जियोलॉजी डिपार्टमेंट आज 2 महीने से वहां पे आके देखने के लिए तैयार नहीं। आप सोचिए ये ऑफिसर्स को किस लिए रखा गया है, क्या अपने ऑफिसों में बैठ के कॉफ़ी पीकर बिस्लरी वाटर मिनरल वाटर पी के अपने घर जाके आराम से सोए या जनता की सेवा करें। आज 2 महीने से किसान वहाँ पे भूखे प्यासे वहाँ पे सड़कों पे बैठे हैं, उनके तरफ देखने वाला कोई नहीं। और जिस तरीके से अभी फसल जो तबाह हुई है गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट जो कि कर्नाटका में हाईएस्ट फसल तबाह हुई है यहाँ पे किसानों का ये डिमांड है कि पर एकड़ 25,000 का कंपनसेशन दिया जाए। लेकिन ये कॉरपोरेट कंपनियों की गुलाम हुकूमत जो है बीजेपी सरकार 40% कमीशन की डबल इंजन सरकार जो है किसानों को ये कह रही है कि 10,000 तुमको लोन दिया जाएगा, 30% सब्सिडी दी जाएगी। ये गवर्नमेंट को जो है जूते मारना चाहिए। जो कॉरपोरेट कंपनीज़ के 12 लाख करोड़ खर्चा माफ़ करती है और किसानों से कहती है कि तुम अपना कर्जा वापस करें, अब जो 10,000 लोन देने की जो बात हो रही है बैंकों ने यहाँ किसानों के अकाउंट्स होल्ड किए हैं, इस डिमांड पे इस वजह से होल्ड किए हैं कि यहाँ पे इनके जो लोन्स बाकी हैं वो देने की बात पर किसानों के अकाउंट्स को होल्ड किया गया है। अब आप देखिए पिछले जो गवर्नमेंट बनी ये वादे पे बनी थी कि किसानों का कर्जा माफ़ किया जाएगा, क्या किसानों का कर्जा माफ़ हुआ ये साबित करता है। पिछले जो भी हुकूमतें किसानों का कर्जा माफ़ी का वादा करके बने ये सारे चोर हैं, ये सारे निकम्मे हैं, ये सारे धोखेबाज हैं, इसलिए कि किसानों का कर्जा माफ़ नहीं किया गया। आज बैंक्स उनके लिए कर्जा देने के लिए पीछे हटे हैं और जो गवर्नमेंट 10,000 का पर एकड़ लोन की बात कर रही है उनके अकाउंट्स होल्ड किए गए हैं ताकि उनके पुराने कर्जे वसूली किए जा सकें। तो ये हालत जो आके आज बैठी है, आज गवर्नमेंट इतना मजबूर कर दी है किसानों को लेके कृषि कुलीकार को लेके कि इनका खून चूस रही है, इनको आज मौत के कगार पे ढकेल दिए, आत्महत्या करने पे मजबूर कर दिए। आप देखिए आज ऐसी हालत में जब किसान हर तरीके से फसल तबाह हो गई है
उसके पास खाने को खाना नहीं है, तो ऐसी सूरत में उसका सहारा हुआ करता था कि अपने कुछ जानवर बेचकर अपना गुजारा करता था। लेकिन हुआ क्या, यहाँ पे जानवर हत्या निषेध कानून, एंटी कैटल स्लॉटर एक्ट लाकर किसानों को वहाँ पे भी मार दी गई। वो कानून से आज किसान इतना मजबूर है, ना वो अपने जानवर बेच के अपना गुजारा कर सकता है, ना गवर्नमेंट उसकी मदद करने तैयार है। अब आप देखिए, बीज बेचने वाला बीज बेच कर चला गया, फर्टिलाइजर जो बीजेपी गवर्नमेंट ब्लैक मार्केटिंग करी, वो ब्लैक मार्केटिंग करके फर्टिलाइजर बेच के चले गए। जो पेस्टिसाइड बेचने वाले थे, औषधि बेचने वाले थे, वो लोग औषधि बेच के चले गए। अब फसल तबाह हो गई, अब किसान क्या बेचेगा, किसान क्या खाएगा? या आप इंसान, जो हुकूमत बैठी है, अगर इसमें इंसानियत बाकी है तो फौरन पर एकड़ 25,000 रुपीस किसानों को कंपनसेशन दिया जाए, नहीं तो हम यहाँ से कर्नाटका प्रांत रहित संघ ये संकल्प करते हैं, जब कभी बीजेपी की यात्रा गुलबर्गा पहुँचेगी, सीएम बम्बई की यात्रा पहुँचेगी, उस सीएम बम्बई का घेराव करेंगे किसान इस गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में। और हम ये वादा करते हैं और ये चैलेंज करते हैं कि अगर 25,000 कंपनसेशन नहीं होगा किसानों को फसल तबाही का, तो इनके खिलाफ बड़ा आंदोलन भी होगा। फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ये चोर हुकूमत का सबसे बड़ा किसानों को दिया गया धोखा है। फसल बीमा योजना के नाम पे लाखों करोड़ किसानों से फसल के नाम पे बीमा लिया गया, आज 25,000 देने क्यों रो रही है गवर्नमेंट? अभी 3 दिन पहले कैनरा बैंक ने 1,28,000 करोड़ कंपनियों का कर्जा माफ किया है, तो क्या कर्नाटका गवर्नमेंट के 30,000 करोड़ रुपए कर किसानों का कर्जा माफ नहीं किया जा सकता? क्या फसल बीमा योजना के नाम पे जो लूटी गई रकम किसानों को 25,000 एकड़ के तौर पे मुआवजा नहीं दिया जा सकता? तो हम ये कहते हैं, ये चोर हुकूमत इंसानों का खून चूस रही है। ऐसे लगता है ये हुकूमत में इंसानियत बाकी नहीं है, ये इंसानियत को ख़त्म करने के लिए बनी हुई फासीवादी सरकार है। ये क्रिमिनल कॉरपोरेट नेक्सस, ये जो है क्रिमिनल कॉरपोरेट कम्युनल नेक्सस की सरकार है। कौमवाद, कंपनियों की गुलामगिरी करने वाली क्रिमिनल नेक्सस सरकार जो बनी है, इंसानों का खून चूस रही है, इंसानों को आज आत्महत्या करने पर मजबूर रखी है। हर कारोबारी परेशान है, हर का किसान परेशान है, हर कूली मजदूरी करने वाला इंसान परेशान है, लेकिन ये गवर्नमेंट कंपनियों के, कॉरपोरेट कंपनियों के अंबानी अदानी की भक्ति में 12-12 लाख करोड़ का कर्जा माफ कर रही है। ऐसी सरकार को 20 सड़क पे लाके आवाम जब तक जूते नहीं मारेगी, जब तक इनको इलेक्शन में नहीं हराएगी, ऐसी निकम्मी सरकार की अकल ठिकाने नहीं आने वाली। इसीलिए हम यहाँ से कह रहे हैं मुंबई सरकार को, अगर तुम में शर्म बाकी है, इंसानियत बाकी है, अन्नदाता जो किसान अन्न उगाता है उसके प्रति जरा सा भी प्रेम है, तो फौरन 25,000 पर एकड़ कंपनसेशन देना चाहिए। इंसान के बच्चे हो सारे, तो इंसानियत की बात समझ लो। तुम बीमार हो गए तो डॉक्टर की जरूरत तुमको बीमार होने पे पड़ेगी। तुम इंजीनियर है तो तुम्हारे को घर बनाने, कंपनी बनाने इंजीनियर की जरूरत पड़ेगी। तुम वकील हो तो तुमको कोर्ट कचहरी के मामले में वकील की जरूरत पड़ेगी। लेकिन किसान एक ऐसा शख्स है, हर इंसान को उसको हर दिन 3 वक्त जरूरत पड़ती है। तो ये बात अपनी याद रख ले, जब तक किसान अनाज उगाता है तब तक ही खाना है। और एक बात याद रख ले, जिस देश का किसान सुखी वहाँ की जनता खुशहाल। अगर यहाँ का किसान सुखी नहीं है तो इस देश की जनता भी कभी खुशहाल नहीं हो सकती। तो हम यही अपील करते हैं गवर्नमेंट से कि फौरन अपने 25,000 का जो किसानों ने डिमांड किया है वो कंपनसेशन जारी करें। थैंक यू। इतना बड़ा डालते हैं, डालो, डिलीट करते हैं, करो, रखते हैं, रखते हैं।